सांगलिया बुधरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट अब जमीन पर आ गया है। इस 198 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। संभवत वर्ष 2020 के शुरुआत में ही इस रेल लाइन का काम शुरू हो जाएगा। परियोजना को वर्ष 2024 से 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित लागत 3,26,182 करोड़ रुपए है। इसमें बुधरी व मांगलिया स्टेशनों को जंक्शन बनाया जाएगा। रेल लाइन पूरी होने पर खातेगांव, नसरुल्लागंज, बुधनी क्षेत्र से लगे अनेक गांव के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस नए रूट से इंदौर व जबलपुर के बीच दूरी 68 किलोमीटर कम हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इंदौर जबलपुर रेल लाइन की घोषणा रेल बजट 2016 से 2017 में हुई थी। पिछले वर्ष सर्वे कार्य पूरा हो गया था। इंदौर से लगा मांगलिया स्टेशन कंटेनर व गुड्स ट्रेन के लिए ही जाना था। अब रेलवे यहां से यात्रियों को तवज्जो देने जा रहा है। जल्द ही मांगलिया से बुधनी के लिए नई रेल लाइन का काम शुरू हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मांगलिया स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा। हाल ही में ही पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांगलिया स्टेशन को बड़ा माल गोदाम बनाने व नया मांगलिया स्टेशन गांव के समीप बनाने की मांग की है। कभी भी जा सकते हो घूम फिर के? हाँ, वही सोच रहा हूँ कि एक बार घूम फिर के आया जाए, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। अरे बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ मैं। हेरिटेज ट्रेन वाली शायद मैंने भेजी थी, याद नहीं, आपसे बात हुई थी मेरी हेरिटेज ट्रेन पे, मैंने स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो भेजी नहीं है मैंने। भेजी नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। उसे भेजो, उसको तो हम लोग उस पर रेल मंत्री के उस पर डालना चाहते हैं। देखिए, पिछले उसमें रेल हमारे माननीय रेल मंत्री साहब ने ये डिक्लेयर किया था, डिसाइड किया था कि एक बुधनी के लिए एक नई रेल लाइन का शुभारंभ किया जाए। तो जो मांगलिया से जो निकलेगी बुधनी के लिए, तो उसके लिए काम प्रोग्रेस पे है। उसका जो फर्स्ट फेज जो होता है सर्वेइंग का, और इसके बाद में उसका काम चालू है। तो उसके बाद में जो धरातल पे आएगा और उसको फिर टेंडरिंग होगा, इसके बाद फिर काम शुरू किया जाएगा।